सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पटना उच्च न्यायालय के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें पटना हाई कोर्ट ने इस आधार पर शादी को रद्द कर दिया था कि दूल्हे को बंदूक की नोक पर शादी करने के लिए मजबूर किया गया था और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत सप्तपति यानी पवित्र अग्नि के चारों ओर जोड़े द्वारा उठाए गए 7 कदम नहीं किए गए थे। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया और अगले आदेश तक उच्च न्यायालय के फैसले के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। पिछले साल नवंबर में उच्च न्यायालय ने यानी कि पटना हाई कोर्ट ने कहा था कि हिंदू विवाह तब तक पूरा नहीं होता जब तक दूल्हा और दुल्हन सप्तपदी यानी कि 7 फेरे नहीं करते हैं। पीठ ने कहा उपरोक्त प्रावधान यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जब सप्तपदी सहित ऐसे संस्कार और समारोह होते हैं तो विवाह पूर्ण और बाध्यकारी हो जाता है जब 7वां कदम उठाया जाता है तब। इसके विपरीत यदि सप्तपदी पूरी नहीं हुई है तो विवाह को पूर्ण और बाध्यकारी नहीं माना जाएगा। उच्च न्यायालय ने 2001 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर भी भरोसा किया था जिसमें कहा गया था कि सप्तपदी और पवित्र अग्नि में घी चढ़ाना के अभाव में पारंपरिक हिंदू विवाह मान्य नहीं होगा। उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दावा किया था कि उसके चाचा का अपहरण उसे एक महिला से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। उसे दुल्हन के माथे पर बंदूक की नोक पर दबाव डालकर सिंदूर लगाने के लिए मजबूर किया गया और बिना किसी अन्य अनुष्ठान के शादी करने के लिए बाध्य किया गया। शिकायत दर्ज कराने के लिए उनके चाचा ने काफ़ी प्रयास किए, इसके बावजूद पुलिस ने कथित तौर पर इस पर कोई कार्यवाही नहीं की, इसलिए याचिकाकर्ता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आपराधिक शिकायत प्रस्तुत करके कानूनी कार्यवाही की शुरुआत की थी। 10 नवंबर को उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की याचिका को यह निष्कर्ष निकालने के बाद स्वीकार कर लिया कि विवाह समारोह के लिए उसे मजबूर किया गया था। दुल्हन ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि यह एक व्यवस्थित विवाह था जो सामान्य रूप से किया गया था। इसके बाद दुल्हन ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लेते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।